हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जेएसआर व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और सेफ होंगे। कैसे हैं भाई लोग? सब अच्छा? बिल्कुल बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। तो अभी का जो ये व्लॉग है, ये हो रहा है किस चीज़ के लिए? GoPro 7 जो मैं लेकर आया, उसकी अनबॉक्सिंग। भाई देखो, अपन जो है एकदम प्रोफेशनल नहीं है अनबॉक्सिंग करने में, लेकिन हाँ, आपको अनबॉक्सिंग अच्छे से करके दिखा देगा, बहुत बढ़िया तरीके से, एकदम फर्स्ट क्लास। कि हाँ, आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि GoPro की अनबॉक्सिंग कैसे होती है। ऐसा नहीं डिंचा डिंचा एकदम वीडियो को शानदार अंदर रखकर, ऐसा नहीं होगा। बट हाँ, मैं दिखा दूंगा और बहुत अच्छे से दिखाऊंगा एकदम। अभी मैंने दिखाया, मॉर्निंग के बज रहे हैं कितने, 3:35, अब 40 हो गए, 5 मिनट हो गए, 5 मिनट तक मैं ऐसे वीडियो बना रहा था इधर उधर। तो अभी बज रहे हैं 3:40। अनबॉक्सिंग अगर थोड़ा देर हो जाए तो यार थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, बट हाँ अभी मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा दूँ। देखो मेरे को क्या क्या मिला, कैसे मिला, मैंने क्या क्या परचेज़ किया है वहाँ से। लेट्स स्टार्ट। देखो बॉस, अपने को मिला है ये GoPro 7, अपन ने ख़रीदा वहाँ से, और जो है वहाँ अनबॉक्स कर दिया था एक बार, तो मैंने दिखाया था, तो ये अनबॉक्स है ऑलरेडी। ठीक है, मैंने चीज़ें निकाली नहीं है, बस वहाँ पे जैसे उन्होंने वापस से फिट करके दिया था वैसे ही मैंने ले लिया। तो ये अपना ऐसे इस पैक में आता है GoPro 7 पूरे अच्छे तरीके से, और बहुत ही उस टाइम पर तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, अच्छा तो अभी भी लग रहा है, लेकिन हाँ आपके खुल गया ना, अब वो वाली बात है। इसको चलो, इसको थोड़ा सा अपन खोलते हैं यहाँ से। ठीक है, अभी क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना बेडू। चलो मैं इस कैमरे को लगाने की कोशिश करता हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ मत करो आप, रुको एक मिनट। ठीक है, तो अभी जो है इसको मैंने जैसे जैसे करके कैमरे को एडजस्ट कर दिया है, तो अभी अपन इसको अनबॉक्स करते हैं। अब यहाँ से अपन शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा है ये। इसको ऐसे निकाला, इसको डब्बे को लेते हैं साइड में, इसके अंदर कुछ भी नहीं आता। ये ऊपर जो होता है ये ग्लास का होता है, ठीक है, प्लास्टिक और ग्लास दोनों मिक्स होते हैं इसमें। और तो ये और ये GoPro 7 ब्लैक एडिशन, बहुत ही प्यारा। हट, साफ हो जा, बिल्कुल बढ़िया एकदम। इसको ओपन करेंगे अपन, पहले इसको चाहें तो अपन ऊपर से निकाल सकते हैं। ऊपर से कैसे निकालेंगे इसको? इसको ना यहाँ से ये स्लोली स्लोली, यहाँ पे चाबी होती है इसकी, इस चाबी को अपन धीरे धीरे खोलेंगे। ठीक है, ऐसे सेम धीरे धीरे खोला इसको, यहाँ पे ये देखो इसको, ये इसको धीरे धीरे खोलेंगे। इसको खोल के ये ऐसे यूँ निकल जाता है, रिमूवेबल होता है ये, तो इसको अपन रिमूव कर देते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ रख देते हैं। फिर उसके बाद में ये GoPro अपना ऐसे अलग हो जाता है। अभी इसको रखते हैं ऐसे, अभी इसको उल्टा रखेंगे आराम से। फिर ये यहाँ पर एक ये चाबी होती है यहाँ पे, ये इसको ऐसे यूँ ऊपर करेंगे, इसको ऊपर करते हैं तो ये ऐसे यूँ करके बाहर को ओपन हो जाता है। कहाँ को? हाँ, तो बॉस ये होता है, ये यहाँ पे लॉक है, इसको लॉक को ऐसे अपन ऊपर करेंगे यूँ। इसको ऊपर करने के बाद में क्या होता है कि ये जो दोनों साइड हैं ये फ्री हो जाती हैं, और फ्री होने के बाद इसको हल्का सा पुश करके इसको ऐसे अंदर दबाएंगे यूँ, तो ये पूरा निकल जाता है ऐसे बाहर को निकल। हाँ ऐसे, बहुत ही सावधानी से निकालना, अगर कोई नया बंदा होगा तो तोड़ मत देना भाई, बहुत महंगा आता है। इसको रखेंगे इधर साइड में। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं क्या क्या मिला है। देखो इसके अंदर मिली है ये बुकलेट, ठीक है, इंस्ट्रक्शन के लिए GoPro की, और बस इसके अंदर यही इंस्ट्रक्शन है। जो इसका केस है GoPro का, वो कैसे निकलेगा, बैटरी कैसे निकलेगी, वो सारे के सारे हैं इसके अंदर। ठीक है, कोई काम का नहीं, रख दो। और ये इतनी मोटी बुक, ज़रूरत पड़ेगी तो देखेंगे। और इसके अंदर है खाली कार्ड, अच्छा स्टिकर है, अच्छा ये स्टिकर है, स्टिकर बहुत प्यारा, इसको कहीं पर भी आप लगा सकते हो। दो स्टिकर हैं GoPro GoPro के इसके अंदर, यहाँ से इसको निकाल करके आप कहीं पर भी चिपका सकते हो। ठीक है, अभी देखते हैं अब ये क्या है। यार ये भी एवं ही है, चैट वैट करने के लिए, ऐसे पता नहीं क्या लिखा उसमें,
यहाँ अब आते हैं मेन एसेसरीज में जो अंदर है। मेन एसेसरीज के अंदर जो है अपने को मिली है ये केबल चार्जिंग के लिए, ठीक है, GoPro की केबल है और बहुत ही ड्यूरेबल है, बहुत अच्छी है। इसको अपने साइड में ये होते हैं जैसे हेलमेट में अपन को माउंट करना है, यहाँ से इसको निकाल के इसको हेलमेट पे चिपकाते हैं और वही जैसे मैंने बताया कि इसको ऐसे यूँ अंदर लगाते हैं, फिर इस पर इसको अटैच करते हैं, फिर इसके बाद में उससे कस देते हैं इससे, ठीक है। तो ये उसके काम आता है, ये दो पीस होते हैं, ये आप कहीं पर भी लगा सकते हो, कार में, हेलमेट में, कहीं पर भी, ठीक है। और बहुत ही अच्छे हैं, मतलब बहुत मजबूत होते हैं। और आखिरी चीज़ ये कपड़ा, इस कपड़े से आप लेंस साफ़ कर सकते हो, इसकी स्क्रीन साफ़ कर सकते हो, ठीक है। जनरली आता नहीं है लेकिन मैंने उनसे लिया था उस टाइम पे, तो उन्होंने मुझे दिया था, बस ऐसे ही साफ़ कर लो, वैसे अभी इतना गंदा है नहीं, तो बस आपको दिखाने के लिए छोटा था। तो भैया ये इसकी अनबॉक्सिंग है, बाकी इसके अंदर कुछ है नहीं, इसके ही साथ इसको करते हैं थोड़ा सा साइड, ठीक है। इसके ही साथ साथ करते हैं अपन ये अनबॉक्स। तो ये है, क्या है ये, जैसे अगर आप GoPro यूज़ करते हैं, ये भी GoPro का ही है, देखिए अडेप्टर। तो इसका इंटरनल जो इनबिल्ट माइक है, इनबिल्ट माइक अच्छी क्वालिटी का है, अच्छी आवाज़ भी, सब कुछ अच्छा देता है। बट अगर जैसे मैंने बताया था आपको मेरे को मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, तो मोटो व्लॉगिंग के अंदर ये काम आता है। इसके अंदर ऐसा होता है कि इसके अंदर ये जाता है आपके GoPro में, इधर साइड में GoPro में जगह होती है, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। और ये 3.5 mm का जैक, इसके अंदर आप अपना जो है ईयरफोन यूज़ कर सकते हो, माइक यूज़ कर सकते हो, अपना मतलब जो भी आपको लगाना है वो आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ये स्लॉट होता है, ये चार्जिंग का होता है, मतलब जैसे आप मोटो व्लॉगिंग कर रहे हो तो ये तो चार्जिंग पर लगा रखा है, और इसमें आप जो है व्लॉगिंग कर रहे हो, अपने माइक में कुछ बात कर रहे हो। और ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है GoPro के साथ में, कब, अगर आप मोटो व्लॉगिंग करते हो तो, और आपको इनबिल्ट माइक पसंद नहीं आता है तो। इसको करते हैं साइड। अब ये अभी अभी एक केस के अंदर है, नॉर्मल केस, ये वाटरप्रूफ केस नहीं है। वैसे मुझे शॉपकीपर ने भी बोला था और इसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि ये वाटरप्रूफ है, बट मैं रिस्क नहीं लूँगा, वाटरप्रूफ केस भी मंगवाऊँगा। तो ये ओपन कैसे होता है, अभी थोड़ा सा टाइट है, मैंने देखा था ये यहाँ से जो है, यहाँ से ऐसे ये ओपन होता है, ओपन होने के बाद में ये पूरा खुलता है ऐसे, ठीक है। उसके बाद में ये केस जो है ये ऐसे ओपन होता है, उसके बाद में इसको अपन ऐसे GoPro को हल्का यहाँ से धक्का देते हैं, निकल, हाँ बहुत प्यार से निकलना भाई, एकदम से नहीं, हाँ। तो ये केस हो जाता है, इस केस को अपन ऐसे ही ऐसे रख देते हैं इधर साइड में। अब ये है GoPro मेन, बहुत प्यारा है, ठीक है। ये इसका बैटरी, यहाँ से इसको पुश करेंगे, बैटरी मैंने लगा दी थी वहीं शॉप में ही, चार्ज भी करके देखा था। ये बैटरी इसके ऊपर निकालेंगे, यहाँ निकल 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 आराम से, हाँ GoPro टिंग। अरे दिखा क्यों नहीं रहा, ये रहा, ठीक है। इसकी बैटरी, और यहीं पे इसको बैटरी को साइड कर देते हैं अपन, इसको करते हैं क्लोज। यहीं पे ही इसके जो साइड में है ये है चार्जिंग का, तो इसको खोलेंगे अपन चार्जिंग के स्लॉट को। तो यहाँ पे एक चार्जिंग का है, एक HDMI का है, ठीक है। तो आप इसको भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, अभी इसको कर देते हैं क्लोज ये स्क्रीन, ठीक है। और कभी मैं इसको यूज़ करूँगा अभी एक दो दिन में, तो फिर मैं इसके स्क्रीन में क्या क्या होगा, क्या है इसके अंदर, वो भी मैं आपको बताऊँगा। अभी केवल ये छोटी सी अनबॉक्सिंग थी, इसको रख दिया मैंने साइड में, बैटरी इसको बाद में मैं सेट कर दूंगा आराम से, अभी मैं आपसे बात करता हूँ पहले। अच्छा, मेरा ये जो छोटा सा वीडियो था, ये था केवल GoPro 7 ब्लैक एडिशन की अनबॉक्सिंग। और बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी बंदा मोटो व्लॉगिंग करना चाहता है, व्लॉगिंग के मतलब नॉर्मल व्लॉगिंग के साथ साथ मोटो व्लॉगिंग भी स्टार्ट करना चाहता है, तो GoPro बहुत ही अच्छा कैमरा है उसके लिए। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, अनबॉक्सिंग थी GoPro 7 की। अभी मैं चलता हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मिलूँगा GoPro के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी या।